नई नई शादी करके आई थी पूर्णिमा। उसके पति प्रकाश को हर बात के बाद अरे मजाक कर रहा था बोलने की आदत थी। एक दिन पूर्णिमा चाय बना रही होती है। सुनो ना, ये मसाला चाय में सच में अगर मिर्ची, नमक, प्याज, लहसुन वगैरह का पेस्ट मिला दे तो चाय मसालेदार हो जाएगी ना। अरे आप कुछ भी मत बोलिए। अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कई बार उसका मजाक ऐसी बात के साथ आता जिसको सुनने के बाद किसी को मजा तो नहीं पर गुस्सा जरूर आ जाता। जैसे एक दिन प्रकाश ऑफिस जाते हुए हड़बड़ी में कहता है, अरे मेरे मोजे कहाँ मौज मार रहे हैं? अभी लाई। पूर्णिमा प्रकाश को मोजे लाकर दे देती है। अरे मेरी फाइल कहाँ है, मैं लेट हो रहा हूँ। रुकिए अभी लाई। फाइल भी आ जाती है। अरे वो टिफिन तो ला दो, कितना लेट करवाओगी। एक तो सामान इधर उधर पटक देते हो, मुझे ढूंढ के लाना पड़ता है, फिर मुझे कहते हो कि लेट हो रहा हूँ। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। आठ हाथ नहीं है मेरे, दो ही है, ऑक्टोपस दिख रही हूँ क्या? हाँ हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से टिफिन लेकर आओ। दो हाथ तो है ना, उन्हीं का ठीक से इस्तेमाल कर लोगी तो लेट नहीं होऊंगा मैं। पूर्णिमा टिफिन लेकर आ जाती है। वैसे तुम थक जाती होगी ना इतना सब काम करके। हाँ और नहीं तो क्या। तो मैं कुछ इंतजाम कर लेता हूँ। काम वाली लाओगी क्या? अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा, दो पत्नी होंगी तो काम आसानी से हो जाएगा ना। क्या? अरे मजाक कर रहा था। प्रकाश तो मैं मजाक कर रहा था कहकर वहां से चला जाता है, लेकिन पूर्णिमा के मन से प्रकाश की दो शादी वाली बात का दुख पूरे दिन नहीं जाता। शाम को प्रकाश ऑफिस से लेट वापस आता है। हाथ मुंह धोऊंगा, टॉवल लगा देना, फिर खाना खाऊंगा, खाना भी लगा देना, देखो लेट मत करना। सब काम आराम से ही होंगे, आप भी तो लेट आए हो ना ऑफिस से। अरे यार मैं काम कर रहा था ऑफिस में, तुम क्या कर रही हो? घर में जो खाना, साफ सफाई ये सब होता है ना, इसको भी काम ही कहते हैं वैसे। अरे ठीक है ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ तुम्हारी मदद के लिए। ऑफिस से आकर मेरा हाथ बटाओगे घर के काम में? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि सफाई तुम कर लो और खाना दूसरी बीवी बना ले। प्रकाश तुम ना थोड़ा सोच समझ के बोला करो। अरे मजाक कर रहा था यार। प्रकाश और पूर्णिमा साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। प्रकाश अपनी धुन में खाना खा रहा होता है, जबकि पूर्णिमा इस बात को लेकर उदास है कि प्रकाश हमेशा कोई दुखी कर देने वाली बात ही बोल देता है और उसके बाद मजाक कर रहा था कह के खुद को बचा लेता है। रात को सोते वक्त पूर्णिमा ने सोच लिया था कि प्रकाश से इस बारे में बात करनी ही पड़ेगी। अगली सुबह भी प्रकाश ने ये लाओ वो लाओ का तांडव शुरू कर दिया। अरे काले वाले जूते कहाँ हैं? बेड के नीचे। अरे टिफिन तो लाओ जरा। ले आऊंगी पर पहले कुछ बात करनी है। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात करनी है तुमको? ये जो रोज दूसरी शादी करने की बात करते रहते हो ना आप, मेरा मन दुखी हो जाता है, मत बोलिए ना ऐसी बात। अरे पगली पहले क्यों नहीं बताया, मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब बोलना छोड़ दोगे ना? अरे नहीं, दूसरी शादी कर लूंगा ताकि उसको तो बोल पाऊं। उफो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मजाक कर रहा था। पूर्णिमा की बात को प्रकाश हंसी में उड़ा देता है। पूर्णिमा बहुत भारी मन से टिफिन लेकर आती है। ये लीजिए टिफिन। अरे मैं तो भूल ही गया, आज मेरे बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी है, तुमको भी बुलाया है, रात को तैयार रहना। रात को पूर्णिमा और प्रकाश बॉस के बेटे की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं। वहां प्रकाश के ऑफिस के और भी लोग हैं जिनको पूर्णिमा पहले से जानती है। केक कटता है, लोग खाना खा रहे होते हैं, वहीं पूर्णिमा और प्रकाश ऑफिस के लोगों के साथ बैठे बात कर रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड तो खुद काम भी करते हैं और बच्चों को भी संभाल लेते हैं। हाँ भाई,
अरे घर के थोड़े बहुत काम तो करने ही होते हैं ना, मेरी पत्नी भी अकेले सब कब तक करेगी। मैं तो सिर्फ ऑफिस का ही काम करता हूँ, घर का सब काम तो पूर्णिमा ही करती है। पूर्णिमा, तुम अकेले सब कैसे कर पाती हो? नहीं जी, बहुत थक जाती हूँ वैसे। तो प्रकाश से हेल्प ले लिया करो ना। अरे बोला तो है इनको, पर इन्हें लगता है कि ऑफिस का काम ही सब कुछ है, तो मैंने भी एक समाधान सोच लिया है। अच्छा क्या पूर्णिमा, घर में काम वाली बाई रखोगी क्या? अरे नहीं, दूसरी शादी करूंगी, ताकि एक हस्बैंड ऑफिस का काम कर ले और एक मेरे घर में मदद कर ले। पूर्णिमा की बात सुनते ही सबको सांप सूख जाता है और प्रकाश के मुंह से तो केक का टुकड़ा गिर जाता है। अरे क्या बोल रही हो, कुछ पता भी है क्या? अरे मजाक कर रही थी, वैसे ही जैसे तुम करते हो। प्रकाश का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उनकी आंखें भी खुल जाती है।